नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विकास और सुशासन के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर लाभार्थी सम्मान एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि एवं संचालन जिला महामंत्री विवेक कर्णवाल ने किया। मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र अध्यक्ष मोहित बेनीवाल मौजूद रहे, जिन्होंने भाजपा सरकार के 8 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का संकलन भी पेश किया। 8 साल की सरकार से सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं, उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम पिछले 8 वर्षों में हुए हैं, उनके कार्यों के एक संकलन की पुस्तिका का सरकार ने भी विमोचन किया है और इस पत्रक के माध्यम से उनको सारगर्भित करते हुए एक यह पत्रक पैम्फलेट के माध्यम से सभी जिलों कार्यालय पर, उत्तर प्रदेश के सभी संगठन के जिला इकाइयों पर इसका विमोचन प्रेस वार्ता के साथ साथ किया जा रहा है। मुख्य अतिथि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 वर्षों में भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है, भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से अग्रसर हुआ है। इस दवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के विषय को अपने सांस्कृतिक और धरोहर को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और देश के अंदर कैसा एक राजनीतिक दल और एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कैसे उस सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए अनुशासित रूप में एक गरीब कल्याण के लिए काम कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा विषय पिछले 8 वर्षों में खड़ा हुआ। आम लोगों के मन में भी यह बात आई कि हम देश की अखंडता के लिए, जैसे उदाहरण के रूप में कश्मीर भारत का अभिन्न बने, इसकी चर्चा होती रही लेकिन कभी कोई निर्णय नहीं हुआ, लोगों के मन में होता था कभी संभव नहीं है, लेकिन धारा 370 हटाई गई। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए 3 तलाक को लेकर के संसद में कानून पारित हुआ। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के एक लंबे समय से जो लोग देश के अंदर नागरिक के रूप में रह रहे थे लेकिन नागरिकता उनको नहीं मिलती थी, CAA के बिल को लागू करने के साथ साथ देश के अंदर नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया गया। जब 2014 से पहले देश के अंदर 1200-1300 हमले एक एक साल में हो जाते थे, कई हमले तो इतने गंभीर होते थे जो पूरे देश को हिला करके झकझोर करके रखते थे, उनमें आधे से ज़्यादा गिरावट 2014 के बाद 8 वर्षों के अंदर हुई। देश में एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना देने का काम हमें प्रधानमंत्री जी ने किया है और वह आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसमें चाहे महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर करना, किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों की ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के माध्यम से, सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से, आयुष्मान की योजना के माध्यम से, चाहे वह जल शक्ति मिशन हो कि हर घर नल हर घर पानी पहुंचे, ऐसे 9 करोड़ लोगों तक जल पहुंचे, इस विषय को लेकर के आगे बढ़ने का काम हो, इसी वर्ष के लिए 4 करोड़ लोगों के घर जल पहुंचे, इस योजना को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसके साथ उन रक्षा के उपकरणों का भी निर्माण देश के अंदर होना प्रारंभ हुआ। रक्षा के क्षेत्र में 3 ऐसी कंपनियाँ जो भारत की हैं जो कभी किसी सूची में आती नहीं थी, अभी टॉप 100 की सूची में उनका नाम शामिल हुआ। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म मुद्रा योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से देश को एक नई पहचान मिली है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी इस प्रकार से एक नई उपलब्धियाँ हासिल, 100 से ज़्यादा सैटेलाइट बना करके एक नया रिकॉर्ड विश्व के अंदर देश ने बनाया। बहुत सारे ऐसे विवादित विषय थे, मैं खास तौर पर इनको बता करके 2-4 बिंदु पर बात करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। देश में लंबे समय तक लगभग 70 वर्षों तक कुछ विवादित विषयों ने देश की गति को, विकास की गति को रोकने का काम किया और उन विवादित विषयों को इतने अल्प समय में, लगभग 1.5 कार्यकाल हमारा केंद्र सरकार का हुआ है, उन 8 वर्षों के अंदर किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हो, अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात हो, 3 तलाक से मिली जो मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी है, नागरिकता संशोधन कानून, आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान, गरीब स्वर्णों को आरक्षण, OBC कमीशन को संवैधानिक मान्यता, वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन राशन कार्ड और 1450 से ज़्यादा
पुराने और बेकार कानूनों को निरस्त करके, जनता को उनसे राहत दे करके, जो रेड टेपिज्म एक शब्द होता था उससे मुक्ति देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष साकेन्द्र प्रताप चौधरी, पूर्व विधायक कमलेश सैनी, क्षेत्रीय मंत्री हरजिंदर कौर, जिला महामंत्री विनय राणा, जिला उपाध्यक्ष वेद प्रकाश, जिला मंत्री राजन गोल्डी, विश्वकर्मा, के रवि, जिला सह मीडिया प्रभारी विक्रांत चौधरी, जिला संयोजक आईटी विभाग विपुल शर्मा, संदीप चौधरी, मोहित कुमार आदि उपस्थित रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।